बाया महाज जमातों का एक वफद आज वजीर आजम से मिला था, क्या हुई थी बात सीताराम येचुरी साहब? सर क्या क्या किन किन मुद्दों पर बात हुई आज? यार मुख्य बात तो ये हुई कि जिस तरीके से धोखेबाजी और फरेब जो किया गया है लाखों गरीब लोगों के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर, उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत के कमाई को उन्होंने कई सारे ये चिटफंड और इस तरीके के स्कीमों में उन्होंने जमा किया था। अब उन सब का ये धांधली हुआ कि वो पैसा खर्च हो गया किसी और तरीके से, फ्रॉड हुआ और उन लोगों को अपने जिंदगी के बचत जो है वापस नहीं मिल रही। हम प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, एक सीबी का इंक्वायरी चल रही है, एक एसएफआईओ का इंक्वायरी चल रही है, एक ईडी का इंक्वायरी चल रही है। अब ये सब सभी जो है केंद्रीय संस्था, इन सबको इकट्ठा करके आप जो है एक इंक्वायरी करवा के जो भी गुनहगार है उसको सजा दें। और गुनहगारों के अंदर कई सारे नाम आ रहे हैं, जो भी हो किसी भी पद पे हो उनको जो है सजा मिलना चाहिए। उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि जिन लोगों के ऊपर ये फ्रॉड किया गया उन लोगों को अपना पैसा वापस दिलाओ। वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है जब इन कंपनियों की प्रॉपर्टी जब्त करो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अब सहारा के मालिक को जेल में लगाकर वो जो है पैसे वापस करने की आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, अब उसी तरीके से उनके उनके पूरी प्रॉपर्टीज का को जब्त करो और वो इस्तेमाल करो इन लोगों को अपने पैसे वापस लौटाने के लिए। सर मरकजी सरकार कार्रवाई कर रही है, सीबीआई पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है, कई लीडरों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में इस तरह का मुतालबा फिर क्यों? क्या आप लोगों को उम्मीद नहीं है मरकजी सरकार से? देखिए ये हो रही है मरकजी सरकार के चलते हुए, ये पहले सरकार के समय शुरू हुआ था, अभी भी चल रही है, लेकिन पांच संस्थाएं अब जो है इसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये पांचों के पांच जो है केंद्रीय संस्था, हम प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि भाई ये केंद्रीय संस्था पांच अलग अलग से जो कर रहे हैं वो काहे को जल्दी करने के लिए इन सबको अब कंबाइन करके अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करिएगा। सर वजीर आजम ने क्या यकीन दहानी कराई? वो कहा ये जरूर इस तरीके की फ्रॉड हो रही है तो बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर हम कड़ी सजा मतलब करेंगे ही करेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये एश्योरेंस दिया है कि इसके जो बातें हम कह रहे हैं उसके ऊपर जान देकर जल्द से जल्द ये इंटरव्यू ये इन्वेस्टिगेशन खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सीताराम येचुरी साहब का साफ कहना है कि वजीर आजम ने साफ कहा है कि वो इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं ममता की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ नजरुल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।